अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसा प्लेटर जिसमें दो तरीके के कबाब हैं। शामी कबाब हम बनाएंगे, गलावट वाले कबाब बनाएंगे और बनाएंगे चावलों की खीर और उसके साथ हम बनाएंगे पराठे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ये अच्छा सा कबाब प्लेटर है, इसे आप बनाइए। मेहमानों के आने पर आप इसे बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं इन कबाब को। शामी कबाब के लिए मसाले मैंने लिए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक चम्मच साबुत धनिया और ये दालचीनी के देखिए 5 से 6 टुकड़े हैं, छोटे छोटे हैं। बड़े टुकड़े आपके पास है तो 2 से 3 ले लीजिए। 4 छोटी इलायची, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और ये काले मिर्च के दाने हैं 10। और ये है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ। इन सारे मसालों को हम मिलाकर इसे हल्का सा तवे पे गरम करेंगे और इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। मैंने ले लिया 1/2 किलो कीमा, इसे मैंने धो लिया है। और ये लिए है मैंने चने की दाल, ये 150 ग्राम चने की दाल है, इसे मैंने भिगो दिया था। ये देखिए फूल गई है, आप चाहे तो ऐसे भी धो के डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं कुकर में इसलिए नहीं डाल रही हूँ ताकि आपको बराबर से दिखा सकूं। ये देखिए कीमे में मैंने चने की दाल डाल दी। ये 3 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने डाल दिया इसमें। 1 चम्मच डाल देंगे हम नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। 1 चम्मच ले लें आप लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च आप जितनी खाते उतने लें। मसाला देखिए जो मैंने पीसा था अभी आपको दिखाया था वो पीस लिया है, इसे डाल देंगे। इसमें जाएगा ये पानी देख लीजिए 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा है, बिल्कुल फुल नहीं है। अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल गीला हो जाएगा, इसलिए हमें 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा हम पानी लेंगे। सारी चीजों को मैंने कुकर में डाल दिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और इसे हम 5 से 6 सीटी लगाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। सीटी इसमें आने लगी है, एक सीटी तेज फ्लेम पे करें, जब सीटी आने लगे तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। ये देखिए दाल और कीमा बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे। देखिए कीमा मैंने पीस लिया, अब मैं इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरा मिर्च और प्याज को डाल रही हूँ। इसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करें। नमक वगैरह आप इसी स्टेज पर चेक कर सकते हैं। अपनी पसंद की साइज़ की इसकी टिक्की बनाए, देखिए मैंने जैसे बनाई है सारी टिक्की बना के हम इसे फ्रीज करके रख सकते हैं। अब बनाएंगे गलावट वाले कबाब। ये है कीमा, मशीन का कीमा है, इसे मैंने अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। इसे मैंने आटा छानने वाली छन्नी में धोया है और धो के इसे अच्छी तरीके से, इसका पानी जब निकल गया तो इसे मिक्सी में मैंने चला लिया है, ये और बारीक हो गया है। इसमें फैट भी था ये कीमे में। इसमें जो मसाले जाएंगे कबाब के मसाले मैं बता दूं आपको, ये देखिए 1 चम्मच है ये जीरा, 1 चम्मच है काली मिर्च, 1/2 टुकड़ा है ये जायफल का और ये 5 से 6 लौंग और ये 4 छोटी इलायची और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं छोटे, बड़े हो तो आप 2 ही लें। उसके बाद ये है शाहजीरा और ये देखिए ये है जावित्री का एक फूल है, इसका 1/2 टुकड़ा मैंने कर लिया है जावित्री का। और इसे कहते हैं कबाब चीनी, ये देखिए ये ऐसे इस तरीके से होती है, इसके पीछे ऐसे पूंछ टाइप की निकली होती है। ये कबाबा भी इसे कहते हैं, कबाब चीनी कबाबों में ये जाता है। और ये 1 चम्मच है धनिया साबुत वाला, 2 तेज पत्ते और ये 1/2 चम्मच से भी कम मैंने ले लिया है खसखस। इन सारे मसालों को हम मिलाकर पीस लेंगे तवे पे गरम करके। और ये देखिए ये है नारियल का बुरादा, ये है 6-7 काजू और ये है तली हुई प्याज। इन तीनों का भी हम एक पेस्ट बना लेंगे, ये भी कबाबों में जाएगा। वैसे कबाबों में लखनऊ में जो एक मसाला मिलता है खास मसाला, पोटली वाला मसाला, वो गलावट वाले कबाब में जाता ही है, लेकिन अगर ना मिले तो आप ये मसाले डालकर भी उतना ही अच्छा कबाब बना सकते हैं। ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ इसमें काजू और प्याज और नारियल का पेस्ट। पाउडर मसाला कबाब का तैयार किया है वो भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। इसी के साथ में मैंने कच्चा पपीता भी पीस लिया था, पपीता हम गलावट के लिए लगाएंगे। और नमक मैंने ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना कीमा उतना, और लाल मिर्च का पाउडर, इसे हम मिला देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। इसके बाद इसमें जाएगा केवड़ा, मीठा इतर हो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। और इसे डाल के बहुत अच्छी तरीके से हमें मिलाना है, इसे हाथों से एकदम अच्छे से मिलाएं ताकि पपीते की गलावट अच्छी तरीके से कीमे में लग जाए। हमने इसे मिक्स किया, खूब अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे भुने हुए चने का आटा।
ये 4 चम्मच है, इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मैं कोयले का धुआं दे रही हूँ, जलते कोयले पे मैंने रखे 2 लौंग, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये देखिए लौंग बराबर से जलते कोयले पे रखे, 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ केवड़ा। अब फिर उसके ऊपर देसी घी डालेंगे और इसे फौरन ढक दें ताकि धुआं कीमे में अच्छी तरीके से बस जाए। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध को पकने रख दिया था। मैंने इसमें डाला है 1/2 कप चावल जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। उसी चावल में मैंने 5 हरी इलायची भी भिगो दी थी। फिर चावल और इलायची का मैंने बना लिया एक पेस्ट पीस कर, और उसी पेस्ट को इसी दूध में डालकर मैं पका रही हूँ। जब बराबर चलाते रहें वरना लम्स पड़ जाएंगे खीर में। दूध के साथ देखिए चावल बहुत अच्छी तरीके से पकने लगा है। इसमें मैंने डाल दिया है 150 ग्राम शक्कर। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें धीमी आँच पर पकाना है। यहाँ हम कर रहे हैं पराठों की तैयारी। मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा और 2 कप मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी मेरे पास दही था, इसे मैं मिला दूंगी इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डाल देंगे हम नमक, जितना हमारे पास आटा हो आप अपने जायके मुताबिक नमक डाल लें उसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। आटा हम अच्छी तरीके से गूंदेंगे ताकि पराठे हमारे मुलायम बने। और कबाब भी हमने दोनों तैयार कर लिए हैं, अब हम बस पराठे और कबाब दोनों तैयार करेंगे। ये देखिए पैन में मैंने तेल गर्म होने रख दिया था, अब मैं डाल रही हूँ उसमें शामी कबाब। इसे मीडियम आँच पर हम फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ देखिए पैन में तेल गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ जिसमें हमने गलावट लगाई थी वो कबाब, इसे भी मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे। कीमा बिल्कुल गल चुका है इसलिए जल्दी पक जाते हैं ये कबाब। ये देखिए कितना बेहतरीन और अच्छा रंग आ गया है, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी और लाजवाब हैं। इन दोनों कबाब को आप पराठे के साथ सर्व करिए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ देखिए मैं पराठों की भी तैयारी कर रही हूँ। इस तरीके से मैदा लगा कर मैंने इसे बेल लिया है, पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा हमें नहीं बेलना इसे। तेल या घी आप जो चाहे इस पर लगाएं और अपने पसंद का जैसा रंग चाहे वैसे पराठों को आप सेकिए। बच्चों को आप इन पराठों के साथ कबाब लगाकर रोल बनाकर भी टिफ़िन में दे सकते हैं, और बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर बनाइए। कबाब और पराठे दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। लच्छा प्याज और हरा धनिया से इसे गार्निश करें, और खीर भी देखिए कितनी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। मेहमान आने पर आप इन्हें बनाइए, वीकेंड पर भी आप बना सकते हैं, इसका मज़ा उठा सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में भी इसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद भी रखें। अल्लाह हाफिज़।